एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विध रिस्पेक्ट बैच दाइव बैच दैटलेबल फॉर मे ट्वेंटी पेपर नंबर फोर सो एक लाइव बैच हम अनाउंस करने वाले हैं इसकी मैं डिटेल्स जस्ट ब्रीफली आपको दे रहा हूं बाकी की और आएंगी जस्ट अंडर टू मिनट्स प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड द मोड ऑफ कवरेज विल बी द सेम एज वी हैव केप टाउ जो रिकॉर्डेड बैचेस रहते थे कॉम्प्रीहसि कवरेज बैच मीनिंग विच हंड्रेड परसेंट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन क्लास नॉर्मल हमारा हिसाब रहता था रिकॉर्डेड लेक्चर्स में एट्टी आय के आसपास का तो उसके अंदर अब लाइव इंटरेक्शन थोड़ा सा मैं ओरल टेस्ट या ऐसा कुछ जो कोशिश करूंगा तो उसमें हम उसका जो है वो ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे तो 100 आवर्स के आसपास आप इसको लेके चलो हो सकता है दो तीन घंटे ऊपर नीचे हो जाए कंसेप्ट के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा चाहे मैं तीन घंटे चार घंटे एक्स्ट्रा ले लूंगा राइट सो दैट इज माय कंप्लीट प्रॉमिस विद रिस्पेक्ट टू दैट इट विल बी कंप्लीटली अपडेटेड फॉर मे 23 थ्री मे ट्वेंटी की सारी अमेंडमेंट्स इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दिस लाइव बैच आप मे 23 का अमेंडमेंट लेक्चर को भूल जाओ क्योंकि उसमें मैं आपको सारा कुछ अमेंडमेंट करवा के चलूंगा एंड एंटायर थिंग विल बी कंप्लीटली अपडेटेड आपके पास ऑप्शन होगा फिजिकल बुक्स का भी और ई e बुक्स का भी ई e बुक्स का सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रिकमेंडेड है जिन्होंने कहीं से भी कुछ भी और पहले पढ़ रखा है एंड दे आर एमिंग टू गो फॉर दिस बैच जस्ट फॉर द कंप्लीट कंसेप्ट क्लैरिटी तो वीडियो लेक्चर से वो काम हो जाएगा और आपको ई बुक्स तो मिली books, इसकी जैसे ही ओपन होगी आज ये वीडियो जब तक डल रही है, हो सकता है लाइव हो जाए रजिस्ट्रेशन या फिर कल हो जाएगी तो आप प्लीज और रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है तो इफ यू आर प्लानिंग टू गो जैसे ही रजिस्ट्रेशन की आपको इंटीमेशन मिल जाएगी यूट्यूब टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा तो प्लीज एंश्योर कि आप फटाफट से रजिस्टर कर लो टू एंश्योर की आपकी बुक्स पहले बुक हो जाए डिस्पैच हो जाए राइट दैट वॉज द ओनली एम एंड विथ रिस्पेक्ट टू बैकअप येस 100% परसेंट बैकअप आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सो इफ यू फील आपकी कोई और क्लास चल रही है या उस दिन में नहीं अटेंड कर पाया तो आप शाम को रात को जो है हंड्रेड परसेंट बैकअप के साथ जो है वो लेक्चर आप यू कैन व्यू इट एंड देन यू कैन ज्वाइन द नेक्स्ट डे राइट सो बाकी जो और भी जो डिटेल्स होती है कि वो सॉफ्टवेयर प्राइस वो सारा आपको वेबसाइट uh, पे वाइल रजिस्ट्रेशन यू विल गेट इट तो इसका जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक लाइव हो जाएगा आई विल अपडेट यू एंड आई विल इंटीमेट यू ठीक है तो अब बात करते सर अमेंडमेंट्स की आ जाओ हेलो एवरी वन एन वॉम वेलकम टू अवर चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल सो दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट लेक्चर दिस इज टेक्निकली पार्ट नंबर टू बट एक्चुअल में यह हमारा मेन लेक्चर है बिकॉज पार्ट नंबर वन में हमने स्पेसिफिकली फेमा का जो मेजर अमेंडमेंट था दैट इज विध रिस्पेक्ट टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट उसको टारगेट किया था बट हमने ये नहीं डिस्कस किया कि क्या क्या अमेंडमेंट्स है कौन कौन सी चीजें कवर हुई है आपको बहुत सारे क्वेरीज रह होंगे कि सर आपके रिकॉर्डेड वाले लेक्चर्स लिए हैं नवम्बर ट्वेंटी टू के लिए लिए मे ट्वेंटी थ्री के लिए लिए थे तो हमारे अमेंडमेंट्स क्या क्या है वो सारी बातें ईच एंड एवरी थिंग विल भी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ओनली अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या करूंगा कंपनी लॉ और इकोनॉमिक लॉ को अलग अलग करके हमारे अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी उस कंपनी लॉ के फोल्डर में लास्ट में कमेंटमेंट लेक्चर डलवा दूंगा सो दिस विल बी द सेम वीडियो इफ यू आर इफ यू डोंट वॉच थ्रू दैट पर्टिकुलर फोल्डर आप ये यूट्यूब पर भी एक्सेस कर सकते हो राइट right? सो so, इसके अंदर हम सारी यू नो ऑल द डिटेल्स विल भी डिस्कस कि क्या क्या अमेंडमेंट्स है क्या क्या कवर हो रखा है नहीं हो रखा ऑल दो पॉइंट्स स्टार्ट करें पहले कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स uh, को हम डिस्कस करेंगे एंड आई विल टेल यू कि ईच एंड एवरीथिंग क्या क्या है क्या क्या नहीं है

मतलब अगर आप नवंबर 22 से मे 23 में आ रहे हो फॉर मे 23, आवर रेलिवेंट पीरियड इज एक्चुअली फर्स्ट मे 22 से लेके 31 अक्टूबर 22, टू राइट बट इन्होंने पिछले साल की भी सारी अमेंडमेंट्स इसके अंदर दे दी है तो अगर आप देखोगे तो इसमें से बहुत सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो क्योंकि वो नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल थी अब उससे भी पहले के अगर आपने अमेंडमेंट्स नहीं कर रखी है तो आप क्या कर सकते हो तो मैं जो नवंबर 22 की मेरी अमेंडमेंट वीडियो थी उसको मैं लिंक दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो जस्ट वॉच दैट उसमें सारी अमेंडमेंट्स कवर हो रखी है राइट right? एंड फिर आप मे ट्वेंटी में आना ठीक है बट बुक्स का क्लासेस का बाकी सारा स्टेटस मैं यहां पे आपको डिस्कस करा रहा हूं जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपरली आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी अभी बहुत सारे सवाल होंगे वेरी वेरी नॉर्मल फॉर दैट बट जस्ट गो थ्रू द वीडियो प्रॉपरली आफ्टर दैट यू विल गेट द क्लैरिटी ठीक है जो मैं ये नोट्स यूज कर रहा हूं ये जो डी यूज कर रहा हूं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड दिस विल बी कंबाइंड विद द नोट्स दैट आई हैड गिवन यू इन द पार्ट नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ठीक है तो थोड़ा रुको सारा होने दो क्लैरिटी मिल जाएगी क्या क्या बातें होनी है क्या क्या नहीं लेट स्टार्ट सबसे पहले ये सीरियल नंबर जो मैंने मेंटेन किया है दिस इज एज पर आईसीआई पब्लिकेशन बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है नहीं सर ठीक है आपके नोट्स ठीक है एक बार मुझे आईसीआई की पब्लिकेशन भी देखनी है तो आप देख लेना सारा कुछ मिल जाएगा राइट right? सो so, चैप्टर नंबर टू मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स उसके अंदर एक रूल फोर होता है विच टॉक्स अबाउट सर्टेन मैटर्स विच कैन नॉट बी डेल्ट विद थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑडियो विजुअल मीन्स वो रूल नंबर फोर अब डिलीट हो चुका है अब मतलब बहुत पहले ही डिलीट हो गया था बट आपके इसमें ऑलरेडी वो दे रखा है सो so, हमारे बुक्स में एंड हमारी क्लासेस में ये लास्ट वाला जो कॉलम है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अवर बुक्स एंड आवर क्लासेस सो इट कैन बी नवंबर ट्वेंटी टू और मे ट्वेंटी थ्री मे ट्वेंटी थ्री वालों को बस अमेंडमेंट्स वाला पोर्शन ही एक्स्ट्रा करना है मटेरियल और वो जो रिकॉर्डिंग है वो नवंबर 22 वाली ही आपके लिए एप्लीकेबल है राइट right? सो so, क्या हमारे बुक्स में ये कवर्ड है यस इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन आवर बुक्स एंड आवर क्लासेस सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट और ये नया अमेंडमेंट नहीं है राइट दिस इज नॉट अ न्यू अमेंडमेंट तो मैं यहां पर भी आपको एक एरो बना दूंगा क्रॉस या फिर राइट right का दैट मीन की वेदर इट इज एक्चुअली नॉट ठीक है अगर आपने नहीं कर रखा है तो मैं फिर से बता रहा हूं अमेंडमेंट्स का पुराना वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में है उसको एक बार देख लेना नेक्स्ट फॉरेन कंपनीज के रिस्पेक्ट में एक एक्जेम्पन नोटिफिकेशन रिलीज करी गई थी दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 393 ए इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट दिस काइंड ऑफ एन एक्जेम्पन क्या ये नया अमेंडमेंट है आंसर इज नो और ये हमारे बुक्स और क्लासेस के अंदर भी ऑलरेडी कवर्ड है ये पुराना अमेंडमेंट है ये नया अमेंडमेंट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरन कंपनीज एक और एक्सप्लेनेशन डाली गई थी विच टॉक्ट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मोड मीनिंग

उसके अंदर एक क्लॉज सब्सटीट्यूट हुआ था और एक प्रोविजो ऐड करा गया था जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ये सारे इन प्रैक्टिस और एडवोकेट ऑफ अ कोर्ट जिनका 10 साल का इन चारों का 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है सो दे आर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ टेस्ट ये चीज चेंज आई थी क्या ये नया अमेंडमेंट है आंसर इज नो ये नवंबर 22 के लिए भी था और क्या ये मेरे बुक्स और क्लासेस में कवर्ड है आंसर इज येस अभी तक ये सारे के सारे पुराने ही अमेंडमेंट इन्होंने रिपीट किए हैं ये क्रॉस है. मतलब रिपीट करे हैं और क्लासेस में भी सारा अपडेटेड है नाउ निधि अमेंडमेंट रूल्स में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे बहुत सारे चेंजेस किए थे क्या वो उसमें से कोई भी चेंज नया है आंसर इज नो कुछ भी चेंज नया नहीं है बट मेरे क्लास वालों को एक पॉइंट बस कवर करना है एक लाइन आपको बस लर्न करनी है जो कि पॉइंट नंबर ए में है ये पॉइंट नंबर ए नीचे डिटेल्स में दिया हुआ है पॉइंट नंबर ए निधि के रिस्पेक्ट में आपको एक लर्न करना है पॉइंट क्या ब्रांच मींस अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ निधि ये वैसे रेलिवेंट नहीं है इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बट अगर आपको पूछ लिया कि भैया ब्रांच क्या होता है तो आपको एग्जैक्ट ये लाइन लिख के आनी है बाकी सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड है बल्कि मैं एक और चीज बता दूं आपको मे 23 वालों नवंबर 22 में तो मैंने बता ही दिया था मे 23 वालों आपको सिर्फ उसके अंदर एक रूल नंबर थ्री बी जो है रूल नंबर थ्री बी निधि के अंदर रूल नंबर थ्री बी जो मैंने क्लास में करा रखा है जो कि एक अमेंडमेंट था बट आईसीआई ने उसको प्रिस्क्राइब नहीं करा आईसीआई ने उस अमेंडमेंट को नहीं बताया कि आपको ये करना है तो रूल थ्री बी को आप जो है वो इग्नोर कर सकते हो बल्कि मैंने सारी अमेंडमेंट करा दी थी वो आईसीआई ने प्रिस्क्राइब नहीं करी ठीक है तो थ्री बी जो है रूल दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द निधि कंपनीज जो पब्लिक कंपनीज फॉर्म हुई है एंड जिनको निधि का स्टेटस चाहिए और वो अमेंडमेंट रूल्स के बाद बनी है राइट तो वो वाला रूल आपको नहीं करना यू कैन इग्नोर दैट पर्टिकुलर पेज बाकी एवरीथिंग कवर्ड सो इज इट अ न्यू अमेंडमेंट आंसर इज नो नथिंग न्यू इन दिस नेक्स्ट अब इस वाले चैप्टर में जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स है इसके अंदर तीन रूल्स में छोटे-छोटे चेंजेस आए हैं और ये नए चेंजेस हैं तो ये मैं कहूंगा पहला नया अमेंडमेंट है मतलब नया अमेंडमेंट मतलब एक एक एप्लीकेबल अमेंडमेंट है जो कि एक्चुअल में सब बच्चों को करना है मेरे वाले स्टूडेंट्स को भी करना है जो कि जिन्होंने क्लास और बुक्स लिए हैं सो दीस थ्री पॉइंट्स नीड टू बी कवर्ड जो नीचे आपको डिटेल्स में दिए गए इन पॉइंट नंबर बी सी और डी तो अब देखते हैं ये तीन पॉइंट्स कहते क्या है बी सी और डी आ जाओ बी रूल नंबर एट अगर आपको याद होगा इन विच वी टॉक अबाउट द कंसेंट ऑफ अ डायरेक्टर डी आई टू फाइल करना पड़ता है ठीक है तो उसके अंदर एक प्रोविजो ऐड हुआ है उसके अंदर एक प्रोविजो ऐड हुआ है क्या इन केस द पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना नेपाल भूटान म्यांमार बांग्लादेश अगर ऐसी कोई कंट्री है जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर हो रहा है तो उसके लिए एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा उस बंदे को जो कंसेंट फाइल कर रहा है ज टू टेक अरिटी क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफ होम अफेयर एंड वो सिक्योरिटी क्लियरेंसेंट के साथ लगा के देना है उस कंसेंट के साथ लगा के देना है और फिर वो कंपनी डी आर ट्वेल्व आगे फाइल करती है, बात है? अब यही सिमिलर चीज बिल्कुल सिमिलर चीज एज इट इज आपको रूल टेन में भी लर्न करनी है रूल टेन कहा पढ़ते हैं हम विध रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ डिन याद है आपको रूल नंबर नाइन में हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं रूल टेन में वो डिन का आपको अलॉटमेंट होता है

इसको छोड़ के अब एक जो पॉइंट नंबर डी है डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होगा करना पड़ता है ऑनलाइन नहीं किया तो आपका नाम रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द डेटा बैंक उसके रिस्टोरेशन के केस में रिस्टोरेशन के चक्कर में एक रूल एड हुआ है, 5. तो पढ़ो. बहुत है इसमें कुछ अमेंडमेंट मतलब कुछ खास नया बात नहीं है बस पढ़ो नॉर्मल तरीके से

मतलब जब उसने हजार रुपए दिए और एप्लीकेशन फाइल करी ये नहीं कि उसका नाम नॉर्मल तरीके से रीइंस्टेट कर दिया जाएगा ना उसका नाम एक अलग कैटेगरी में शो किया जाएगा दैट इज रिस्टोर कैटेगरी और विद इन वन ईयर जिस वजह से वो बाहर निकला था कि टेस्ट नहीं पास किया वो अब उसको टेस्ट पास करना पड़ेगा विद इन वन ईयर क्लियर है बात तो पढ़ो आगे उसका एक साल तक नाम अलग रखा जाएगा इस रिस्टोर कैटेगरी में जिसके अंदर ही शेल बी रिक्वायर्ड टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड जब वो टेस्ट पास कर लेगा तो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल डेटा बैंक में उसका नाम इंक्लूड कर लिया जाएगा बट प्रोवाइडेड वो टेस्ट पास कर रहा है और अगर उसने एक साल में भी ये टेस्ट पास नहीं किया नाम उसका अलग रिस्टोर कैटेगरी में डालने के बाद भी उसने एक साल में टेस्ट पास नहीं किया फेल होता रहा या फिर टेस्ट ही नहीं दिया तो उस केस में उसका नाम हम बाहर कर देंगे अब दोबारा वो रिस्टोरेशन के एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकता अब उसको नॉर्मल तरीके से फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी है क्लियर है बात तो आगे पढ़ लो आफ्टर हिज नेम शेल बी इंक्लूडेड ओनली इफ ही पास सच टेस्ट एंड इन सच केस

एंड देन इफ ही वॉन्ट्स ही कैन अप्लाई अ फ्रेश मतलब नया एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द डेटा बैंक क्या ये बात क्लियर हुई है क्या ये बात क्लियर हुई है सो so, इसको छोड़ के इसको छोड़ के बस एक और अमेंडमेंट है जो कि अगर आप पब्लिकेशन देखोगे तो पब्लिकेशन में कहीं दे नहीं रखी क्यों क्योंकि ना आईसीआई के मटेरियल में एस सच स्मॉल कंपनी को अलग से डिफाइन नहीं करा गया स्मॉल कंपनी यूज किया गया है लेकिन स्मॉल कंपनी को डिफाइन नहीं करा गया तो आईसीआई ने उसको अमेंडमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया चांसेस है ये आपसे पूछे भी ना आईसीआई क्योंकि ये इंटर में हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं बट फाइनल में टू क्लॉज एटी फाइव की स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अलग से इन्होंने जो है वो नहीं दी बट ए, ए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने इसको अलग से दिया है कि देर हैज़ बिन एन अमेंडमेंट इन द स्मॉल कंपनी तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में जो लिमिट्स थी दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू पेड अप शेयर कैपिटल एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टर्न वो डबल कर दी गई है दो करोड़ और बीस करोड़ था अब वो डबल हो गया है पेड अप शेयर कैपिटल चार करोड़ और टर्न ओवर करोड़ बाकी डेफिनेशन जो है वो एज इट इज है उसका एनालिस में नहीं करा रहा बस लिमिट्स को ध्यान रख लेना आप चार चालीस करोड़ आपको लर्न करना है ठीक है शेयर कैपिटल चार करोड़ और टर्न ओवर चालीस करोड़ अमेंडमेंट ध्यान देनी है बस ये थी कंपनी लॉ की सर इतनी सी थी दस पंद्रह मिनट में हमारा काम हो गया यस कंपनी लॉ में और कोई चेंज नहीं था तो अब ध्यान से समझना कि अगर आप मे ट्वेंटी के स्टूडेंट हो ठीक है या फिर ओ सॉरी मे ट्वेंटी क्या कह रहा हूं नवंबर नवंबर ट्वेंटी आपने दिया है और अब आप मे नवे मे ट्वेंटी थ्री की तरफ जा रहे हो अब आप मे ट्वेंटी थ्री की तरफ जा रहे हो तो एक्चुअल में जो आपको अमेंडमेंट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ यही वाली करनी है विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ ये दो पांच मिनट लगे मेरे को डिस्कस दस मिनट लगे डिस्कस करने में बस यही अमेंडमेंट है बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है तो सेम सब कुछ सेम रहेगा बस ये चेंजेस आपको ध्यान देने ये और एक ये, ये वाला भी आप कह सकते हो ठीक है बाकी सब आपके बुक्स और मटेरियल में एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड क्या मैं बात आगे लेके जा सकता हूं कंपनी लॉ का जो था वो यही तक था कंपनी लॉ में और कोई भी चेंज नहीं है ठीक है सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक लॉस ठीक है अब इकोनॉमिक लॉस के बारे में बात करते हैं इसके अंदर थोड़े से चेंजेस है पर मुश्किल कुछ भी नहीं है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलओडीआर एलओडीआर में आप देखोगे लिस्ट दे रखी है बहुत सारी बड़ी सी उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस दिए हुए हैं वो रेगुलेशंस का चेंज नया नहीं है दैट इज नॉट न्यू मतलब दैट इज एक्चुअली नॉट एन अमेंडमेंट वो पुराना वाला रिपीट किया हुआ है राइट तो हमारे बुक्स हमारी क्लासेस एवरीथिंग इज कंप्लीटली अपडेटेड नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग नथिंग टू बी वरीड अबाउट अगर आपको लगता है आपने नवंबर 22 की नहीं करी अमेंडमेंट तो वो आप एक बार प्लीज चेक कर लेना डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल दे रखी है वीडियो की उसके उसमें से आपको वो चीज करनी है राइट अब नेक्स्ट फेमा के एक्सपोर्ट रेगुलेशन में एक फर्क आया था दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट राइट right? सो so, वो अमेंडमेंट भी नया नहीं है वो उन्होंने रिपीट किया हुआ है फ्रॉम नवंबर ट्वेंटी टू अमेंडमेंट सो इज इट न्यू अमेंडमेंट आंसर इज नो अगर नहीं कर रखा तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी क्या वो हमारे बुक्स में कवर है एवरीथिंग इज कवर्ड क्लासेस में मैं कवर करा चुका हूं सो नो नीड टू वरी ठीक है अच्छा ईसीबी में कुछ चेंजेस आए थे क्यों आए थे वो चेंजेस चेंजेस ड्यू टू लिबर ट्रांजिशन अब हम लिबर से दूर जा रहे हैं आपको याद होगा एआरआर की बातें हुई थी ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट वो उन्होंने आपके पब्लिकेशन में दे रखा है अमेंडमेंट्स की क्या वो नया है आंसर इज नो वो ना ही अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट है तो वो एक्चुअल में नया अमेंडमेंट नहीं है और वो नवंबर 22 की डिस्कशन में कवर हो चुका है तो अगर नहीं करा हुआ तो प्लीज आपको वो चीज एक बार देखनी पड़ेगी सो so अगेन क्या वो मेरे बुक्स और क्लासेस में कवर है आंसर इज यस तो मेरे क्लास के हिसाब से तो आपको बहुत ही कम चीजें कवर करनी है ठीक है बट मैं यहाँ पे डिस्कस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपने आप एक जनरल मतलब आपने मेरे से नहीं लियो क्लासेस सो यू शुड गेट अ कंप्लीट आइडिया नेक्स्ट फेमा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज रूल्स एंड एंड प्लस रेगुलेशन भी आप यहां लिख सकते हो रूल्स प्लस रेगुलेशन वो नई इंसर्ट हुई थी वो सबको ही कवर करनी है वो सबको ही कवर करनी है चाहे मेरे स्टूडेंट हो या ना हो और वो चीज ऑलरेडी पार्ट नंबर वन में मैं कवर करा चुका हूं तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज आप वो पार्ट नंबर वन देख ले वो आप पार्ट नंबर वन देख लो राइट तो पार्ट नंबर वन में एंटायर थिंग नोट्स भी मैंने दे दिए है एफ और आईबीसी में कुछ अमेंडमेंट्स है जो हमें करनी है जो हमें करनी है तो एक काम करते हैं सीधा पॉइंट नंबर ई से नीचे चीजें ही स्टार्ट कर देते हैं हम ठीक है ओके okay, आ जाओ पॉइंट नंबर ई अब एफ सी आर ए के रिस्पेक्ट में एफ सी आर ए के रिस्पेक्ट में आपको या, एक चीज याद होगी कि रूल नंबर सिक्स में हम बात करते हैं इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इन केस द फॉरेन करेंसी इज रिसीव फ्रॉम रिलेटिव इन एक्सेस ऑफ रूपीज वन लैक और इक्विवेलेंट एंड इफ यू रिमेंबर केयरफुली केयरफुल इंटीमेशन इन थर्टी डेज विद इन थर्टी डेज अब उसके अंदर दो चेंजेस है वो एक लाख की जो लिमिट है वो दस लाख कर दी गई है सो इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ टेन लैक और फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर द पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द टाइम लिमिट है दो अमेंडमेंट है एक लाख को दस लाख कर देना और टाइम लिमिट तीस दिन से तीन महीने कर देना मेरे बुक के अंदर ही मेरे बुक के अंदर ही आप उसको अमेंट कर सकते हो चेंज कर सकते हो कोई इशू नहीं है कुछ अलग से नोटिंग करने की जरूरत नहीं है नाउ विद रिस्पेक्ट टू सबमिशन सब एप्लीकेशन रिविजन ट्वेंटी होता है ऑर्डर का बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आपको याद होगा सेक्शन थर्टी टू उसके रिस्पेक्ट में कुछ चेंजेस है पहले रूल नंबर ट्वेंटी में क्या लिखा था कि जब आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर पर्पज ऑफ रिविजन आप एप्लीकेशन फाइल करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसके साथ तीन हजार रुपए देते हो वहाँ पे लिखा था एप्लीकेशन नीड्स टू बी गिवन इन प्लेन पेपर वो प्लेन पेपर को डिलीट करके अब आपको, in आपको दिखाऊक्ट हो जाता है ना इसमें रिट्रैक्ट हाँ, रहा तो प्लेन पेपर अब आपको डिलीट करना है और उसके अंदर क्या लर्न करना है ये वाली लाइन और उसके रिस्पेक्ट में आईसीआई ने एक आईसीआई हूं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है क्या कि इट इज हियर बाय दैट विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एन ऑर्डर पास बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी मेड ओनली एंड ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही अब एक एप्लीकेशन फाइल करनी है एंड थ्रू द वेबसाइट एफसीआरएनलाइन डॉट एनआईसी डॉट इन सरकारी वेबसाइट है इसी के थ्रू आपको एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी है तो रूल नंबर ट्वेंटी में अब आपकी एप्लीकेशन कैसी जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली जाएगी और इस वेबसाइट का नाम आपको लर्न करना है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ एफ जो है वो रिलीज है. These FAQs FAQs मतलब इसको एक रीडिंग लेना है ज्यादा कुछ इसके अंदर रट्टा वाली बात नहीं है अब हु इज एलिजिबल टू सबमिट रिविजन एप्लीकेशन एनी पर्सन हुई हो अब आप रिविजन एप्लीकेशन कब फाइल करोगे जब आपको कुछ दुख हुआ ना तभी तो अनलेस एंडल यू आर एग्रीव वाई वुड यू सीक एनी काइंड ऑफ रिविजन राइट और कोई एरा गेरा तो आ नहीं जाएगा कोई थर्ड पर्सन तो आके एप्लीकेशन फाइल करेगा नहीं हि नीड्स टू बी रजिस्टर्ड So two keywords need to be learned. If a person is registered and he is aggrieved, he can file an application under Section 32. इसके अंदर और कोई बात नहीं थी. Next, can the revision application be sent through physical mode? That is on paper mode. अरे नहीं. अभी तो ऊपर बोला electronic mode FCRA online dot NIC in. उसके ऊपर file करो ना. तो इसीलिए कोई भी physical application not allowed. Next, Uh, ये डेट दे रखी है पर डेट का ज्यादा कोई मतलब नहीं है आप लर्न करो कि फिजिकल की जरूरत नहीं है फिफ्टीन अगस्त की डेट इन्होंने दे रखी है कि वहां से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मूडी अलाउड है वट इज द प्रोसीजर फॉर एन एसोसिएशन टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन ऑफ एन ऑर्डर विच इज पास बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर एफ सी आर ए तो एसोसिएशन का भी कोई नया तरीका नहीं है बस हल्का सा उन्होंने बोला कि भैया स्कैन करके अपना एप्लीकेशन फाइल कर देना तो पढ़ो एनी ऑर्गेनाइजेशन विच वॉन्ट्स टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी

क्लियर है बात आगे बढ़ा सकते हैं बात को हाँ सर नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्ड टू सेंड द फिजिकल कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड रिविजन एप्लीकेशन टू एम अरे भैया अभी तो बोला इलेक्ट्रॉनिक दे देना फिजिकल की फिर इलेक्ट्रॉनिक की दोबारा फिजिकल कॉपी की कोई जरूरत नहीं है ना फिजिकल चाहिए ना कॉपी चाहिए राइट सो नो नीड टू सेंड एनी फिजिकल कॉपी इज देर एनी फॉर्मेट फॉर रिविजन एप्लीकेशन ना स्कैंड क्यू कॉपी ऑफ द ड्यूली साइंड एप्लीकेशन इन प्लेन पेपर इज एक्सेप्टेबल कोई ऐसा लिखा होना चाहिए ये लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज चाहिए नथिंग अपना एप्लीकेशन लिख देना उसको स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट uh, के ऊपर जो है वो सबमिट कर दो हम कोई फॉर्मेट नहीं बता रहे इज इज द एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट जस्टिफिकेशन फॉर द रिविजन ऑफ ऑर्डर एप्लीकेंट हुज रजिस्टर्ड एंड हुव डज इ नीड टू प्रोवाइड एनी जस्टिफिकेशन वाई ही इज गोइंग फॉर रिविजन आंसर इज ये विदाउट जस्टिफिकेशन नहीं ना आप कहते हो आप दुखी हो आप बोलते हो कि आप दुखी हो आप एग्रीव हो अरे भाई बताओ क्यों एग्रीव हो ये थोड़ी मेरा मन कर गया मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया नो जस्टिफिकेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड अलॉन्ग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या ये चीज क्लियर है आगे बढ़ते हैं फी क्या है तीन हजार है। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है ये फी ऑलरेडी उसके अंदर दे रखी थी रूल नंबर ट्वेंटी में मेरे क्लास के अंदर भी या फिर आपने कहीं और से पढ़ा होगा तो वहां पर भी रूल नंबर ट्वेंटी में ये चीज दे रखी है दिस इज नॉट नथिंग न्यू तो इसको आप काट भी सकते हो गेटवे के थ्रू आप पे करोगे वॉट इज द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिविजन विच इज ऑफ द ऑर्डर विच इज पास बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसकी जो टाइम लिमिट है वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर वॉज पास और अदरवाइज उसको उसके बारे में पता था तो ये नो और कम्युनिकेटेड विच एवर इज इजर्लियर दिस इज ऑल्सो नथिंग न्यू ये टाइम लिमिट में कोई चेंज नहीं है ये ऑलरेडी सेक्शन 32 टू सब सेक्शन थ्री में मैं कवर करा चुका हूं आपको मैं या फिर आपने जहां से भी पढ़ा होगा तो सेक्शन 32 में ये ऑलरेडी था नथिंग न्यू नो अमेंडमेंट तो ये भी फालतू था बस ये था हमारा एफ सी आर ए ये थी हमारी एफसीआर की अमेंडमेंट इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें भी कोई एस सच कोई खास अमेंडमेंट नहीं है बस ये रूल सिक्स के जो चेंज है और ये रूल ट्वेंटी का जो चेंज है अब आते हैं सर आई बी सी में आईबीसी में ना तीन चार रेगुलेशन की छोटी छोटी बातें चेंज हुई है बाकी मेजर चैप्टर सब कुछ चेंज है कोई बहुत कंसेप्चुअल फंडामेंटल चेंज नहीं है रेगुलेटरी चेंज है तो पढ़ते हैं हम एक रेगुलेशन नंबर 18 बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट पर्सन का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस उसके अंदर उसके अंदर ये जो ये रेगुलेशन 18 किसका है ना वो मैंने ऊपर दिया हुआ है जस्ट आपको एक रेफरेंस के लिए इसका है ये रेगुलेशन एटीन दिस इज ऑफ आई आर पी फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन आगे अगला रेगुलेशन किसका है ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन तो ये जस्ट आपको रीड करना हो तो आप ले सकते हो ऐसे रीड बट डिटेल क्या है अमेंडमेंट का वो उस पर हमारा ज्यादा ध्यान है सो विध रिस्पेक्ट टू द मीटिंग्स ऑफ कमिटी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द कमिटी एज एंड वेन ही कंसिडर्स नेसेसरी क्या ये कोई नया पॉइंट है आंसर इज नो ये पहले भी था नेक्स्ट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कन्वीन मीटिंग इफ considers कंसिडर्स नेसेसरी ऑन रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कमिटी एंड शल आप देख रहे हो फर्क यहां पे वर्ड दिया गया है मे मतलब उसकी मर्जी है अगर नॉर्मल सी रिक्वेस्ट आई तो उसकी मर्जी है एंड शल मतलब मैंडेटरी अब तो उसको रखवानी ही पड़ेगी कब रखवानी पड़ेगी इफ द सेम इज मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कमिटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द वोटिंग राइट्स क्या ये भी कोई नया चेंज है आंसर इज नो ये भी एज इट इज है इसमें भी कोई फर्क नहीं है ये थर्टी थ्री परसेंट वाली बात पहले भी लिखी गई थी तो सर फर्क क्या है अब जो एक्सप्लेनेशन डली गई है और ये जो प्लेसिंग ऑफ प्रपोजल है ये थोड़ा सा चेंज है राइट right? तो ये आपको पढ़ना है ये मेरे क्लास वालों को पढ़ना है ऊपर वाला जो मैंने दिया है ना एबीसी का ये मेरे क्लास वालों को सबको पढ़ना है बुक्स के लिए बुक्स के रेफरेंस में भी आपको ये अमेंडमेंट करनी है आ जाओ क्या कह रहा है ये देखो एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशन टू जो हमने ऊपर पढ़ाई वाला इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द मीटिंग मे बी कन्वीड अंडर दिस सब रेगुलेशन टिल द प्लान इज अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31 और ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन इज पास 33 वो सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि आप ये जो मीटिंग है ना ये कब तक रखवा सकते हो इसका एक एक्सप्लेनेशन दे दिया काइंड ऑफ ए क्लैरिफिकेशन जब तक ऑर्डर नहीं आता एनसीएलटी का या फिर जब तक कंपनी के ताले लगने का ऑर्डर नहीं आता लिक्विडेशन का तो जब तक ऑर्डर अप्रूव नहीं होता या फिर लिक्विडेशन नहीं होती तब तक आप मीटिंग रखवाते रहना हमें कोई दिक्कत नहीं है ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है थर्ड प्लेसिंग ऑफ प्रपोजल आप उस पर्टिकुलर जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसके पास अगर कोई प्रपोजल आया तो वो कब रखेगा उसके अंदर उन्होंने मे और शेल वाली बात लिख के सेम टू सेम ऊपर वाला ही मैटर रिपीट किया ये वाला मीटिंग्स के रिस्पेक्ट में जो है तो पढ़ो सेम लैंग्वेज है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में प्लेस प्रपोजल रिसीव फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द कमिटी इन अगर एंड शेल प्लेस द प्रपोजल इफ द सेम इज मेड बाय द में ऑफ द कमिटी रिप्रेजेंटिंग एट लीट थर्टी थ्री ऑफ द वोटिंग राइट मतलब अगर उसको कोई प्रपोजल आया कमिटी ने बोला काम करो ये वाला प्रपोजल डिस्कस करते हैं कमेटी में तो अगर उन्होंने प्यार से सिर्फ रिक्वेस्ट करी और उसने उसको लगा कि ये सिर्फ यू ऑल्सो थिंग्स इट इज नेसेसरी तो वो रखवा देगा उसकी मर्जी है यूज द वर्ड मे दिस इज उसकी मर्जी डायरेक्टरी है मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर थर्टी थ्री परसेंट और मोर वोटिंग राइट वालों ने बोला कि भैया ये प्रपोजल रखवाना है तो उसके पास अब मर्जी नहीं है अब उसके लिए वो चीज शल बन जाएगी नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर फाइव दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विडेशन हम बात करते थे अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर की अंडर द टॉपिक ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर अंडर वॉल्ट्री लिक्विडेशन इसके अंदर हम बोलते थे कि जो कॉर्पोरेट डेटर है जो कॉर्पोरेट पर्सन है वो लिक्विडेटर को चेंज कर सकता है और नया बंदा जो आएगा ना नया प्रोफेशनल जो आएगा उसको पहले विद इन थ्री डेज बोर्ड को बताना पड़ता था कि भैया मैं आ गया हूं करके विद इन थ्री डेज वो थ्री डेज का बस सेवन डेज हो चुका है मैंने पैराग्राफ दिया हुआ है ये चीज बुक में आपकी दे रखी है बस वहां पे थ्री की जगह सेवन कर देना थ्री की जगह सेवन डेज कर देना आगे बढ़ सकते हैं यस एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रिएटर एफसी मतलब फाइनेंशियल क्रिएटर तो जब एक एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल करता है उस बंदे को उसकी कॉपी कॉपी ऑफ दैट एप्लीकेशन भिजवानी पड़ती है टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज वेल एज टू द बोर्ड तो मतलब उसने एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करी और उसकी कॉपी उसको भिजवानी है टू दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेट डेटर जिसका रिजोल्यूशन प्रोसेस वो स्टार्ट कराना चाहता है अलॉन्ग विद वो बोर्ड को भी एक कॉपी भेज देगा ठीक है कैसे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट बाय हैंड और इलेक्ट्रॉनिक मीन ये चारों आपको लर्न करने एज इट इज रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट बाय हैंड देके आएगा हाथ से या फिर ईमेल वगैरह भेज देगा और ये उसको काम कब करना है बिफोर ही गोज एंड फाइल्स दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी बोले तो एनसीएलटी तो ये एक छोटी सी बात आपको बस लर्न करनी है ठीक है और एक प्रोविजो इंसर्ट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन नंबर थर्टी विच टॉक्स अबाउट कोलेशन ऑफ क्लेम्स लिक्विडेशन के टाइम कोलेशन ऑफ क्लेम्स होता है ना तो उसके रिस्पेक्ट में ये बात बोलता है क्या दैट लिक्विडेटर शेड आल्सो वेरीफाई द क्लेम्स लेटेड ड्यूरिंग सीआईआरपी बट नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस वो जब क्लेम्स कोलेट करता है लिक्विडेशन के टाइम हो सकता है किसी ने सीआईआरपी के टाइम अपना क्लेम प्रूफ किया हो लेकिन लिक्विडेशन के टाइम उसकी तबियत खराब है या कुछ भी है उसका क्लेम नहीं आया तो वो कह रहे कि आप वो वाले क्लेम्स को भी एक बार वेरीफाई कर लेना जो सीआईआरपी के टाइम तो आए थे लिक्विडेशन के टाइम नहीं आए ठीक है और वो लिक्विडेटर को कब तक करना है विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस जो भी लास्ट डेट होगा फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स अंडर अंडर लिक्विडेशन उस दिन से विद इन थर्टी डेज एंड अगेन इधर ही विल एडमिट और और रिजेक्ट दैट क्लेम इन इन होल पार्ट तो ये तो कोई नई बात नहीं है ये तो ऑब्वियसली वो जो भी क्लेम आता है लिक्विडेशन वाला वो या तो पूरा एडमिट करेगा या पूरा रिजेक्ट करेगा या उसमें से पार्ट एडमिट करेगा या पार्ट रिजेक्ट करेगा बस मेन बात क्या है कि उसको वो वाले क्लेम्स भी वेरीफाई करने हैं जो सीआईआरपी के टाइम आए बट लिक्विडेशन के टाइम नहीं आए बस ये था सर कितना टाइम लगा हमें यही आपकी अमेंडमेंट्स यही आपकी अमेंडमेंट्स बस मेन क्या है वो पार्ट पार्ट नंबर नंबर ये है हमारा मेन जिसके अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ऐड हुआ है उसके अंदर हमें घंटे के आसपास वो लेक्चर है राइट बट बैलेंस आप देखोगे तो ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है राइट सो दिस वॉज ऑल फॉर अवर अमेंडमेंट्स लेक्चर आई होप दिस वॉज यूजफुल ये PDF का नोट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन केस देर इज एनी अदर क्वेरी यू कैन गेट इन टच मी आपको बैच के रिस्पेक्ट में भी कोई क्वेरी है या एनीथिंग लाइक दैट नाइन फाइव सिक्स जीरो जस्ट गेट इन टच विद मी ठीक है सो बढ़िया से पढ़ाई करो अब लॉब का पूरा मैंने अपडेट करा दिया है तीन चार महीने बचे हैं जी लग जी जान लगा के मेहनत करो हो सकता है मे 23 में लॉ अपना लास्ट रहे और उसके बाद उसका हमें फेयरवेल रखवाना पड़ जाए ठीक है so, तो चलो ऑल द बेस्ट स्टडी वेल टेक केयर बी सेफ आई विल स्टे कनेक्टेड बाय